सर, जैसा हम आपके इवेंट एंड टाइम एनालिसिस को ऑब्जर्व करते आए हैं काफी टाइम से और देखते आए हैं कि सारी बातें ऑलमोस्ट होती जा रही है, तो जैसा अभी आपने यूरोप और यूके के बारे में भी बताया था कि वहां बड़ी प्रॉब्लम आने आएगी, और लास्ट वीक से हम देख ही रहे हैं कि फ्रांस के अंदर इतनी हालत टाइट होती जा रही है, और अभी आज रिसेंट में न्यूज भी आई थी डच के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। तो सर, अभी आगे क्या व्यू लगता है आपको, कि क्या दिख रहा है अभी आगे? आगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए खराब ही है, जैसे जैसे मैंने जिक्र किया बार बार कि जैसे जैसे हम साल ब साल आगे बढ़ेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड की हालत और खराब, पतली, खस्ता होती रहेगी। बट सिंस स्पेसिफिकली आपने यूरोप के बारे में पूछा है, तो जैसे फ्रांस में जो हो रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक तो बहुत ही खराब रहेगा। शायद ऐसा भी लग सकता है कि एक बार कहीं वो कमांडोज या मिलिट्री मुलिट्री ना बुला लें, क्योंकि अभी जो पुलिस कर रही है, जो अभी उठा उठा के लोगों को मार रही है, पीट रही है, ये अभी लोग फिर इकट्ठे होके फिर रिवोल्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक मेरे को फ्रांस के हालत में प्रॉब्लम दिखता है, और साथ में सिर्फ फ्रांस ही नहीं, उसके जो आसपास वाले जो एरियाज और हैं, जर्मनी है, मतलब जो भी कंट्रीज आसपास, उन सारे कंट्रीज में भी ये क्योस जो है फैलेगा, स्पेशली टिल फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त मान सकते हैं हम। एंड एक्चुअली मैं यूं नहीं कहूंगा कि अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ अगस्त के बाद थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी सिचुएशन, फिर दोबारा आएगा रिवोल्ट और बड़ा। सो अल्टीमेटली ये चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी होती रहेंगी। एंड जब ऐसा हो रहा होगा तो आप ये भी देखेंगे कि कुछ कंट्रीज यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहेंगे। पहले मैंने कहा था कुछ कंट्रीज नेटो से बाहर निकले, अब मैं जिक्र कर रहा हूं कुछ कंट्रीज यूरोपियन यूनियन से भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि कुछ कंट्रीज की हालत कुछ ऐसी होने वाली है जहां पे शायद रशिया उनको अक्वायर करने के ताक पे होगा, और वो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के पास जाएंगी कि भाई साहब बचाओ, और यूरोपियन यूनियन बचाने नहीं आएगा। तो यानी कि उस टाइम पे फिर वो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन तोड़ेंगी छोड़ेंगी, और उनको देखा देखी में कुछ कंट्रीज और छोड़ेंगी, शायद जैसे ग्रीस हो सकता है, बेल्जियम हो सकता है, तो धीरे करके वो मतलब तोड़ना शुरू कर देंगी, कहने मतलब ये है। बाकी अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो देखो जी, एक तो मेरे को रायट्स दिखते हैं कई जगह, स्पेशली अल्बानिया और ऐसे कुछ कंट्रीज में और रायट्स दिखते हैं, एनर्जी क्राइसिस बहुत बढ़ते हुए दिखता है, यूरोप में तो दिखता ही है, पोलैंड में बहुत ज्यादा दिखता है मेरे को, नेचुरल कैलामिटीज यूरोप में स्पेशली जर्मनी में दिखता है। बाय द वे यूरोप में इस बार टेररिस्ट एक्टिविटीज भी दिखती है मेरे को, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में दिखती है मेरे को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यानी कि और वहां पे ये जो सारे कंट्रीज हैं इनकी जनता मेरे को सड़कों पे आते हुए दिखती है अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सड़कों पे आ जाएंगी, मेरे को ऐसा भी दिखता है। कई स्कैंडल्स आएंगे बाहर, इनफैक्ट इनकी गवर्नमेंट के जो कई लीडरशिप के जो स्कैंडल्स हैं वो बाहर आएंगे, शायद फ्रांस के, इटली के, इवन यूके के। एंड हालांकि मेरे को अक्टूबर ऑनवर्ड्स मेरे को रशिया यूक्रेन की वार थमते हुए दिखती है, मोस्ट प्रोबली 2024 में थम जाएगी, मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 तक रशिया यूक्रेन थम जाएगी। बट थमने का मतलब ये नहीं है कि कोई सुलह हो जाएगी, और रशिया जितना अक्वायर कर रहेगा कर लेगा, और जेलेंस्की को ढूंढ के बहुत मारेगा नहीं, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है ना वो इसराइल के पीएम को, तो पकड़ के मेरे को लगता है कुछ ना कुछ ट्रायल ट्रूल करेगा, तो जेलेंस्की की ताक में रहेगा वो अक्टूबर के बाद, और एक फाइनल डिवेस्टेशन करेगा मेरे को लगता है यूक्रेन के ऊपर, और फिर यूक्रेन फिर कब्जा कर लेगा अल्टीमेट, यूक्रेन मतलब जो भी उसको एरिया चाहिए, जो रिसोर्सेस के लिए, जो हमने पहले भी जिक्र किया अपने वेबिनार में, लिथियम वाला, स्टील वाला, वो यूरेनियम वाला, वो कब्जा करके फिर बाकी यूरोपियन देश की तरफ जाएगा। और जैसे यह हालत जैसे अभी आपने यूरोप की एकदम से देखनी शुरू हो गई ना, जैसे हम तो पिछले 2 साल से बोल रहे थे, तो अब धीरे धीरे करके एकदम से फास्ट हो गई शुरू, ऐसी जो हम आज यूएस और कैनेडा का बोल रहे हैं ना कि धीरे धीरे करके हालत खराब होगी, तो अभी वो जो दीमक है ना वो यूएस और कैनेडा में वो भी घुस रहा है, यूके में भी घुस रहा है,
2025 के बाद यूएस यूके कनाडा में इतनी तेजी से होगा जैसे यूरोप में हो रहा है। तो अभी यूरोप में तो खैर अभी हालत इतनी खराब होगी, लोग बेचारे माइग्रेट करना चाहेंगे, वो कहेंगे जाएं कहां, अभी तो आपस में क्लैशेस होंगे, बहुत इंटरनल राइट्स होंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेगी, बहुत बहुत चैलेंज है। यूरोप यूरोप विल बी मैसिवली बैड टिल 2025, मतलब उसके बाद तो है ही है बैड, 2025 तक ज्यादा है, क्योंकि उसके बाद तो फिर यूएस का भी बैड है, यूके का भी बैड है, कनाडा का भी बैड है, ठीक है ना। सर एक सेकंड क्वेश्चन भी था, जैसे आपने 2023 के स्टार्टिंग में बताया था कि इस साल एग्री कमोडिटी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जैसा कि अभी रिसेंट में हम देख रहे हैं कि टमाटर के रेट किस लेवल पे पहुंच गए, तो सर ये टमाटर के रेट एक्चुअली फसल खराब होने की वजह से बढ़े या इसके पीछे कोई दूसरा रीजन? कुदरत का खेल है यार, नेचुरल क्लाइमेटीज कुछ ऐसी हैं कि बारिशें भी अच्छी हो रही है और ज्यादा हो रही है, तो जिसके कारण फूड प्राइसेस में चैलेंज है, वो तो आपने बताया ही था पहले। फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि और काउंटर्स खुलने अभी अटैक के। यस सर, अभी तो इसराइल को अपने रॉकी स्टाइल में स्टेन गन लेके बाहर निकल रहा है, क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर आ चुका है, जो कि इसराइल को अभी जल्दी समझ आ जाएगा।